Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Satyam Jnanam Anantam Brahma, Yo Veda Nihitam Guhayam, Paramevyo Mannas Soshnute, Sarvan Kaman Saha, Brahmana Vipaschiteti. तैतृय उपनिषद के द्वितीय वल्ली में ये प्रथम मंत्र है और उसमें तत्व का ब्रह्म का वर्णन है कि क्या है ये ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चार शब्द है तो ये चार शब्दों का क्या अर्थ है जैसे लाल बड़ा कमल तीन शब्द है अब ये लाल क्या है बड़ा क्या है कमल क्या है लाल कुछ भी हो सकता है बड़ा कुछ भी हो सकता है देखो लाल टमाटर हो सकता है कोई कमल का ही होना जरूरी नहीं बड़ा बेवकूफ भी हो सकता है देखो तो लाल और बड़ा ये टमाटर के विशेषण हो गए तो विशेषण और विशेष्य इनका संबंध भिन्न होता है अब उसी प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो क्या ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म के विशेषण है देखो ये चिंतन है इसी लेवल होता है ना कि सुबह के क्लास में जिम है दोज हु आर हेल्दी दे अलोन कैन कम दोज हु हैव गॉट प्रॉब्लम्स मेरे बीबी मेरी बात नहीं मानती बच्चा शादी नहीं करना चाहता मंदिर में जाओ यहाँ बता रहा तो ये जो सत्य ज्ञान अब सवाल ये आता है क्या सत्य और ज्ञान जैसे लाल और बड़ा अलग अलग एक दूसरे से तो जो सत्य है वही ज्ञान है माने शब्द दो है वस्तु एक ही है यदि सत्य ज्ञान नहीं होता तो क्या होता असत्य होता और या जड़ होता और यदि ज्ञान सत्य नहीं है तो ज्ञान असत्य होता तो ना तो ज्ञान असत्य है ना तो सत्य जड़ है तो फिर क्या है दोनों साथ साथ है ये दोनों को साथ साथ समझना इसी को कहते अनंत माने ये एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं ये है तो वो नहीं वो है तो ये ऐसी बात नहीं है अब देखो अपना जो अनुभव है वो अनुभव क्या है मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं क्या ये जो हमारा अनुभव है ये सीक्वेंस में है कि साइमल्टेनियस है अपना होना और अपने होने को जानना ये अलग अलग नहीं है देयरफॉर नोइंग इज बीइंग होना और जानना एक ही है और इसीलिए अनंत माने इसके सिवा अन्य कुछ नहीं और यह जो एकमेव अद्वितीय है इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम के द्वारा क्या हो गया एकम एव अद्वितीयम जो एकमेव अद्वितीय है उसी को ब्रह्म कहा है तो यो वेद निहितम गुहायाम गुहायाम माने गुहाजी के घर में नहीं बंगाली होते गुहाजी गुहा माने पंचकोश जो पंचकोशों के आधार के रूप में इस तत्व को आत्मस्वरूप से पहचानता है
उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, जैसे रोग के सिम्टम्स होते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, बोले मुझे क्या मालूम क्या हो गया, क्या तुम्हारे लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स है। ओ वो पूछ रहे हैं आप, अच्छा मुझे दो चीजें समस्या है। क्या? एक चीज मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज भूल गए। देखो तो ये लक्षणों से रोगों का निदान होगा। इसी प्रकार से यदि हमने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, जिसने अपने इस स्वरूप को जो पंचकोशों का आधार है इसको पहचान लिया है, इसके क्या सिम्टम्स हो गए, क्या लक्षण हो गए। सोश्रुते सर्वान कामान स, उसकी सभी कामनाएं एक साथ पूरी हो चुकी है, माने वो अब आप्त काम है। देखो संतो तो अध्यात्म क्या हो गया। कठोर उपनिषद की श्रुति कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदिष्टाः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिसके अंतकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट चुकी है वो यही और अभी परमात्मा स्वरूप है। हमारे पूरे जीवन का क्या गणित है, कामनाओं को पूरा करो। और आज तक किसी की भी सभी कामनाएं पूरी नहीं हुई। एक कामना के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, यदि गरम गरम चाय मिल जाए तो कितना मजा आएगा। पति ने आकाशवाणी करी, उधर से महामाया का मुल्क के मैदान तोप चालू हो गई। तुमको तो काम धंधा है ही नहीं, सुबह सुबह उठ करके चाय चाय चाय, अभी तो पी थे, डांट पड़ करके एक कप चाय आ गई। हो गए कि शांता पति देव, हाँ चाय बारिश बिना पकौड़े के। दूसरी इच्छा हो गई पकौड़े आ गए, पकौड़े मिर्ची नहीं क्या घर में, मिर्ची के पकौड़े। एक कामना के बाद दूसरे कामना का जन्म होता है। और हमने किया क्या पूरे जीवन में, केवल अपने कामनाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न, क्योंकि हमारा गणित गलत है। हमारा गणित ये है कामनाओं की पूर्ति माने जीवन में कृतकृत्यता, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ, इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन। देखो तो आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य उपनिषदों के अनुसार क्या हो गया, अपने अंतकरण से ये कामना का साम्राज्य हटा दे। ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और केवल वस्तु की कामना नहीं, दूसरों से जो अपेक्षा होती है वो भी कामना ही है। पत्नी ने ऐसा करना चाहिए, पति ने ऐसा करना चाहिए, उसने मेरा मानना चाहिए। देखो इसीलिए ये जो तत्व है इसको इस शिव सूत्र में जो प्रस्तुत किया है तो पहला ही सूत्र है चैतन्यम आत्मा। ये जो दो मार्ग है या दो सिद्धांत है, एक उपनिषदों के अनुसार निगम के अनुसार और दूसरा यह शिव सूत्र जो है आगम के अनुसार, इसमें शब्दों का भेद है, अर्थ एक ही है लेकिन दोनों ही अपने अपने शब्दों में अड़े हुए हैं। और इसीलिए शंकर वेदांती कहते हैं ये जो शैव सिद्धांत है इसमें अपूर्णता है, और ये शैव सिद्धांत वाले कहते हैं कि शंकर वेदांत में अपूर्णता है। दोनों दूसरे की अपूर्णता देखते हैं लेकिन बात एक ही है। देखो इसीलिए ये शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम,
हम चित्तों में ये शब्दों में भटक जाते हैं। तो हमको क्या बताया था इस तत्व में परमात्मा को लेकर के, परमात्मा चित्त स्वरूप है, चैतन्य है, और यह चैतन्य है माने सत्ता भी है, और इस सच्चित परमात्मा की जो शक्ति है वो शक्ति है चित्त, इसीलिए चिति कहते हैं, संवित कहते हैं। तो सत हो गया परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, उसकी शक्ति हो गई चित्त, और शक्ति का विस्तार हो गया आनंद, आनंद की अभिव्यक्ति हो गई स्वातंत्र या इच्छा, काम और कर्म, ये सब मिला करके तत्व का प्रतिपादन इस शास्त्र में हुआ है। अब हमको ये बताते हैं यदि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ केवल परमात्मा ही है, तो ये दुनिया कहाँ से आई? और सब यदि परमात्मा ही है सब कुछ, तो सभी के सभी आनंद स्वरूप है, तो ये दुख कहाँ से आया? यदि ये अनंत है जिसका कभी अंत होता नहीं, तो यहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर कहाँ से आया? ये यदि आनंद स्वरूप है तो दुख कहाँ से आया? इन प्रश्नों को लेकर के अब चिंतन शुरू होता है। पंचदशी में आत्मा को लेकर के, अपने स्वरूप को लेकर के बड़े सुंदर विचार है। एक जगह में आता है कि आत्मा तीन प्रकार के होते हैं। एक है मुख्यात्मा, दूसरा है मिथ्यात्मा, और तीसरा है गौणात्मा। और हम लोग जो है वो गौणात्मा में आते हैं। तो मुख्यात्मा क्या है? जो सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो मुख्यात्मा है, जिसका ना न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वानम हो यह अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण, यह है मुख्यात्मा। अच्छा, मिथ्यात्मा क्या है? मिथ्यात्मा माने जो देहात्म भाव के पश्चात स्वयं को देह मानने लग जाता है, वो है मिथ्यात्मा। एक बार हमने अपने आप को देह मान लिया तो उसके बाद फिर गौणात्मा 2G स्कैम शुरू हो जाता है। 2G स्कैम क्या है? देहात्म भाव के पश्चात फिर मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, और दुखी कौन होते हैं? ये ससुरे। देखो, स्त्री से पत्नी को अलग करके दिखाओ, पुरुष से पति को अलग करके दिखाओ, कहाँ है ये? ये जो नहीं है ये दुखी हो रहे। अब इनको आप क्या कर सकते हो? ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सो नहीं रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते। सो रहा तो उसको जगा सकते हैं। यदि कोई हो पति नाम की वस्तु, पत्नी नाम की वस्तु, तो कुछ किया जा सकता है। कहाँ है ये? गौण है। देखो, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक के कुरुते गंगा सागर गमनम व्रते परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम, इसी में फंसे रहेंगे। तो क्या करें पति पत्नी? डोंट टेक ईच अदर सीरियसली। एक बार एक पति अपने पत्नी के सामने मुझे कह रहा था, साउथ इंडिया की बात है, मारवाड़ी ही है, स्वामी जी मेरी पत्नी इतनी बेवकूफ है, पता नहीं क्या करूँ उसको, और जवान नहीं, दोनों बूढ़े हैं, दादा दादी हो गए। तो हमने कहा कि अब है तो है, पत्नी तो बेवकूफ होती ही है। तो जब मैंने ऐसा कहा तो स्वामी जी आप मुझे बेवकूफ कर रहे हो ना? हाँ, क्यों? यदि तुम बेवकूफ नहीं होती तो इसके साथ शादी कर देंगे, समझदार होती तो इसके साथ कभी शादी नहीं करती। माने क्या ने? वो भी सुपर बेवकूफ है। देखो,
ये एक दूसरे का मूल्यांकन करना, कौन अच्छा कौन बुरा, कहाँ है ये सब चीजें, कहीं नहीं है, इसी को सत्य मान के बैठते हैं। देखो संतो, जब तक के ये मूल अज्ञान हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक कि आप कुछ भी करते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लोग क्या करते हैं, ओवर डेवलप्ड कंट्री के लोग डाइवोर्स करते हैं। डाइवोर्स करते माने क्या, अब मैं इसका पति नहीं, मैं इसकी पत्नी नहीं, ठीक है, ये अलग हो गए, साथ साथ ही रहते हैं लेकिन पति पत्नी नहीं, और फिर दूसरे के साथ शादी कर ली, फिर एक बार पति पत्नी बन गए, उसके साथ नहीं पटी, तीसरे के साथ करी शादी, फिर याद रखता है पहले ही ठीक थी। अब ये कितनी पत्नियां पैदा हो गई, जैसे एक आदमी पुत्र पति और पिता बन गए, तीन बन गया वो। ये सिद्धांत समझ लो, औपाधिक अनेकता काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। एक उपाधि है स्थूल देह के साथ, तो मैं पुरुष हूं। जब ये तादाद में खत्म हो जाता है, मन के विकारों के साथ तादाद में, फिर मैं स्वप्न पुरुष हूं, वो भी हमेशा नहीं टिकता। फिर मैं इनके अभाव के साथ तादाद में करता हूं, फिर सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ तैयार हो गया। तो एक ही तत्व उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। जैसे 15वें अध्याय भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः श्रुति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही सबका आधार हूं, मेरे ही कारण ज्ञानम जागृत अवस्था, स्मृति स्वप्नावस्था, अपोहनम सुषुप्ति अवस्था, चकारा समाधि, ये चारों के चार मुझ पर ही आ रहे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। देखो इसीलिए सर्वै ही वेदै ही अहमेव वेद्या, कौन है ये जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष बनता है, जो सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके सुषुप्त स्वप्न पुरुष बनता है, जो अभाव के साथ तादात्म्य करके सुषुप्त पुरुष बनता है, जो अपने प्रयत्न से इनके ऊपर उठता है वो समाधिस्थ पुरुष बनता है, कौन है वो? सर्वै ही वेदै ही अहमेव वेद्या। इस मैं को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक के ठीक है रगड़ते रहो तंबाकू और खाते जाओ कैंसर होने तक। देखो महाराज, यही है वो चक्र, सुदर्शन चक्र। भगवान हमको फोन करते हैं, वैकुंठ मोबाइल प्रोवाइडर, और वो हमको बताते हैं, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? जहाँ उनका फोन आया उनको मैसेज मिलता है, द कस्टमर दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रेंज, संसार में भटक रहा है। तो फिर हम लोग तो चुप बैठे, लेकिन भगवान चुप थोड़ी बैठेंगे, उनके हाथ में गदा है, एक लगा दे टन, हे कृष्णा कृष्णा, पहले ही सुनते तो। ईश्वर को विस्मरण यही दुख है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद के विस्मरण को ही दुख कहते हैं। देखो फिर भी हम नहीं मानते, फिर आदत हो गई ना, आदमी को मार खा खा करके आदमी बेरड हो जाता है, आदत हो जाती है उसको। फिर भगवान अपने हाथ का सुदर्शन चक्र लेते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भगवान कहेंगे देखो ये मेरी गलती थी बेटा कि तुमको मैंने मनुष्य बनाया है, अब मैं अपनी गलती सुधारता हूं, अगले जन्म में तुम सुअर बन जाओ, खूब खाओ, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये यही जीवन है। तो ये सुदर्शन चक्र जो है, यदि हम भगवान के दिए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो जिंदगी भर एक नहीं अनेक हजारों करोड़ों जन्म पड़ते रहेंगे, और यदि आप उसके मार्ग पर चलो तो बीच में जो जो विघ्न आएंगे उन विघ्न को नाश करने वाला भी वही सुदर्शन चक्र है, वही काल चक्र है।
हो। इसीलिए यह तत्व क्या है तो पहले सूत्र में बताया चैतन्यमात्मा। अब चैतन्य आत्मा का अर्थ क्या है हमको समझना है। देखो आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो कि मैं स्वामी जी को देख रहा हूँ कि ये स्वामी जी है, तो देखने वाला मैं, ये वस्तु स्वामी जी है और आगे मैं स्वामी जी नहीं हूँ। माने इस ज्ञान में तीन भाग आ गए। जैसे मैं माइक को देखता हूँ, यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ लेकिन मैं माइक नहीं हूँ। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वो मानसिक प्रत्यय है। अब हम है कि नहीं? हाँ जी है। आपने कैसे जाना अपने आप को? इंद्रियों से जाना कि कर्मेंद्रिय से जाना कि मन से जाना कि बुद्धि से जाना? जिस ज्ञान में यह ज्ञाता ज्ञान गेय एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस यह भेद नहीं होता, उस ज्ञान को कहते हैं चैतन्य आत्मा। चेतना नहीं कह रहे हम, चेतना प्रकृति में आती है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, उसके पश्चात कहते हैं सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। तो यह जो चेतना माने लाइफ है ये परमात्मा नहीं है। प्रकाश जो है बल्ब में, ये प्रकाश बिजली नहीं है, ये बिजली की अभिव्यक्ति है। देखो बिजली का अपना प्रकाश होता है तो जिन वायरों से जाती है उसमें दिखना चाहिए था ना, दिखते आए क्या? इसी प्रकार से हम इसमें फंस जाते हैं। चेतना ही भगवान है नहीं, चेतना परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है तब पता चलता है चैतन्य आत्मा माने क्या। अच्छा अब दूसरी महत्व की बात आती है, जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को एक बड़ी समस्या होती है, हर चीज को वो अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि वही ट्रेनिंग है हर चीज को। फिर ब्रह्म का भी कंसेप्ट बना लेंगे। एक बार हम पिट्सबर्ग में थे यूनिवर्सिटी में, लेक्चर होने के बाद वहाँ के प्रोफेसर ने कहा हमको, मिस्टर स्वामी यू हैव प्रेजेंटेड ऑल द कंसेप्ट्स वेरी वेल। I said, sir, I am sorry, this is not true. I did not talk on concepts. You are a professor is a concept. You are American is a concept. You are intelligent is a concept. They are subject to modification and change. You are is not a concept. मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज़्यादा ही पढ़ा लिखा, these are all concepts. लेकिन मैं हूं ये कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं दे कैनॉट गेट आउट ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, नहीं जा सकते हर चीज में आत्मा परमात्मा। और ध्यान से सुनना इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव है मैं ध्यान के लिए बैठा और लाइट आ गया, मैंने स्पष्ट देखा ऑब्जेक्टिवली। दूसरी बार बैठे लाइट आया नहीं, पता नहीं महाराज जी क्या हो गया। एक दिन तो बैठे थे बड़ा अच्छा लाइट आया, बाद में आया नहीं, क्या हो सकता है? बल्ब फ्यूज हो गया है, बदल दो। कोई भी अनुभव आगे चला जाए ये भगवान की माया है। कोई भी अनुभव बचपन आके चला गया, हम तो जो के त्यों है ना, जवानी आके चली गई,
सुख दुख आके चले गए, एक थोड़ा चिंतन करो, कोई बुरा सपना और जागृत अवस्था, इन दोनों का कंपैरिजन किया आपने। अब दूसरा कंपैरिजन करो, कोई पुरानी घटना, दुखद घटना, बचपन की, जवानी की, और अभी आपका होना, ये दो पेयर्स जो है, जागृत अवस्था और सपना, और जागृत अवस्था और पुरानी यादें, इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों केवल मानसिक प्रत्यय है। और इसीलिए हमने कल बताया आपको, बहुत बड़ी साधना ये है, अपने भूतकाल के भूत को उतार दो। जिसको भूत चढ़ जाता है ना, वो आदमी कैसा होता है, क्या भूत लग गए हैं इनको, 24 घंटे वही पुरानी बातें। जब हम जवान थे, हम बुढ़ाओ लोगों को ये समझ में नहीं आता, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन अवर पास्ट, दे आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर। अब बुढ़ाओं के पास क्या फ्यूचर है, मेरा क्या फ्यूचर है, कुछ नहीं। अब नहीं जा रहे इसलिए बैठे, और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भूतकाल का बोझा ऐसा ढोते हैं कि माने वही सत्य है। ध्यान से सुनना, भूतकाल के बोझे को सत्य मानने का तात्पर्य है, देहात्म बुद्धि का अभी निराकरण नहीं हुआ। बचपन देह का था, आपका नहीं। जवानी देह की थी, आपकी नहीं। और यही मूल अविद्या है, यही मूल कारण है, चैतन्य आत्मा। तो ये सब हम चैतन्य स्वरूप होते हुए भी हम लोग ऐसे दुखी क्यों हैं और डरते क्यों हैं, क्या कारण है, इसको बताने के लिए अब दूसरा सूत्र बताते हैं। तो पहले इस तत्व को अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके समझ लें, चैतन्य आत्मा। लेकिन चैतन्य को यदि हम चेतना के रूप में समझ लेंगे तो फंस गए। इसीलिए वेदांत का जो विवेक है वो विवेक है सत असत विवेक। सांख्य का विवेक जो है वो जड़ चेतन विवेक है, और भक्ति का या उपासना का जो विवेक है वो है सुख दुख विवेक। अब वेदांत विवेक में जो कहते हैं सत असत विवेक, माने जो है और जो नहीं है उसका विवेक क्या करेंगे आप, माने केवल सद वस्तु मात्र है, जगत में असत कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद श्रुति कहती है अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्व भावेन प्रसिद्धति। तत्व की उपलब्धि केवल भावात्मक है, अभावात्मक नहीं हो सकती। जगत में किसी भी वस्तु का ज्ञान अभावात्मक नहीं हो सकता, यहां तक के अभाव का भी ज्ञान भावात्मक ही है। हम कहते हैं ना कि यू आर कॉन्स्पिक्यूस बाय योर एब्सेंस। देखो ये दो वस्तुओं के बीच में कुछ नहीं है। अभाव के ज्ञान में भी सत्ता ही है, और इसीलिए इसको लेकर के एक ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। अभाव को विषय बनाओ। किसका अभाव? किसी का भी अभाव। सबसे सिंपल है शब्द का अभाव। शब्द के अभाव को विषय बनाओ। तब एका दिन हरि कृपा से ये क्लिक हो जाएगा, जो अभाव को भी आधार देता है वो भाव अभाव के परे। और फिर इसका जीवन में उसका अपना विश्लेषण करें। जागृत अवस्था ही चली गई, हम थे जागृत अवस्था में भी थे, चली गई तब भी है। स्वप्नावस्था आई, भाव चली गई, अभाव उसमें भी हम थे।
तो जो भाव अभाव के परे है, इसीलिए परमात्मा को है कहना ये भी गाली ही है। देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने अमृताभाव में लिखते हैं, सच्चिदानंद ये भगवान को दी हुई गाली है। सत इसीलिए कहते हैं कि अभाव का निराकरण करने के लिए, चित इसीलिए कहते हैं जड़त्व का निराकरण करने के लिए, आनंद इसलिए कहते हैं दुख का निराकरण करने के लिए। इट इज ए निगेटिव डेफिनेशन। उदाहरण ले लो अपने आप में कि कभी किसी को ये अनुभव आ सकता है क्या कि मैं नहीं हूं? किसी को नहीं आ सकता। तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? जैसे कोई मुझे नहीं कहता कि स्वामी जी आप लड़की हो, अब जब मुझे कोई नहीं कहता मैं लड़की हूं तो मुझे ये कहने की क्या जरूरत है? नहीं तो मैं तो पुरुष हूं, देखो ना दाढ़ी है ना, मैं तो पुरुष हूं। अरे किसी ने डाउट नहीं किया ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह विकल्प रहित अनुभूति जो है, जिसको निर्विकल्प कहते हैं, ये अपना स्वरूप है। तो चैतन्यमात्मा पहला सूत्र। और एक महत्व की और बड़ी बोल्ड चीज है, आप जानो या नहीं जानो, आप चाहो या नहीं चाहो, आप साक्षात चैतन्य स्वरूप ही हो। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आप अन्य कुछ हो ही नहीं सकते। इतना सब है तो फिर हम ये चक्कर में क्यों पड़े, ये संसार के बंधन में क्यों पड़े? देखो एक बड़े संत हो गए, वो अपने एक लिखाण में लिखते हैं, गुरु महाराज की कृपा से मैंने ये भव नदी पार कर ली और कृतकृत्य हो गया, और इसीलिए गुरु महाराज को धन्यवाद करने के लिए और वो भव नदी जिसको मैं पार करके आया उसको देखने के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा, ना वहाँ गुरु थे ना वहाँ नदी थी, मैं जहाँ था वही था। ये रोज का अनुभव नहीं है क्या? सपने में यहाँ गए यहाँ से आए वहाँ से आए, और जब नींद खुल गई, अरे बिस्तर में ही है, अभी सोचा स्विट्जरलैंड गए। देखो ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, लेकिन हमारे दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया है, तुम बंधन में हो, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसीलिए साधना करो, दान धर्म करो, और जितना पैसा है मुझे दे दो, वैराग्य जीवन में आवश्यक है, तुम्हारे वैराग्य के लिए मैं रागी बन रहा हूँ, देखो मेरा कितना त्याग है। इसीलिए चैतन्यमात्मा एक ही सूत्र काफी है। यदि हमने इस चैतन्यम आत्मा इसका अर्थ ग्रहण किया हो तो, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों को प्रश्न पूछने की आदत होती है, इसीलिए हम कहीं भी प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं देते, कुछ मतलब नहीं होता। एक बार वृंदावन की बात है, हम बैठे थे, चार दस लोग बैठे चाय पी रहे थे, एक सज्जन आ गए, आने के बाद महाराज जी मुझे आपको कुछ पूछना है, तो मैं चुप बैठा, उन्होंने शुरू कर दिया, डेढ़ घंटे तक बोले, और डेढ़ घंटे के बाद फिर स्वामी जी बताइए, तो वहाँ बाकी के जो काउंटर बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा आपने क्या प्रश्न पूछा, आपको समझ में आया तो मुझे समझाओ। बोले प्रश्न था ही नहीं, प्रवचन था। देखो इसीलिए ये प्रश्नोत्तरी के चक्कर में मत पड़ना, यू डिस्कवर द आंसर। दूसरे को जब पूछते हैं तो आपको उत्तर मिलता है, उत्तर समाधान नहीं होता। We ask somebody, you get a reply. Reply is not an answer. Reply could be anything.
इसीलिए चैतन्य महात्मा इसका चिंतन करे। और कितना सरल चिंतन है, जिस ज्ञान में जिस अनुभव में त्रिपुटी का अभाव है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भोक्ता भोग्य भोग, इस त्रिपुटी के अभाव में जो है वही अपना स्वरूप है। ध्यान से सुनना, क्या है ये नहीं बताया, बताया नहीं जा सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति, न मनः, न विद्मः, यह इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है तो कैसे बताएंगे। फिर परमात्मा क्या नहीं है वो बता सकते हैं। तो सबका तिरस्कार करते करते नेति नेति इति वाक्यता, तब जा करके अपने स्वरूप में पहुंचे। इसलिए चैतन्य महात्मा ये पहला सूत्र है। अब इसके पश्चात दूसरा सूत्र आता है। अब ये सब गड़बड़ी कहाँ से निर्माण होगी संसार की, तो कहते हैं ज्ञानम बंधः, नॉलेज इज बॉन्डेज। ये सूत्र पढ़ने के बाद हम अमृतानुभव का अध्ययन कर रहे थे और उसमें संत ज्ञानेश्वर ने ये सूत्र मेंशन किया था। तब तक के हम तो यही सोचते थे ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। और यहाँ कहते हैं ज्ञान ही बंधन है, तो हम हिल गए। इतने सालों तक जो पढ़ा था सब बकवास, और मालूम नहीं कहाँ होगा क्या होगा, ये कहाँ से मिला है। तो एक बार हम हमारे मुंबई में गणेशपुरी है वहाँ गए, और वहाँ एक बड़े महात्मा हो गए नित्यानंद बाबा, सिद्ध पुरुष थे। तो उनको मिलने के लिए कोई आए वहाँ और हमारा भी वहीं जाना हुआ। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम पता नहीं आपको क्या दे क्या दे, तो सोचा आपको पुस्तकें दे दें, बाकी की वस्तु तो लोग देते, आप किसी न किसी को पकड़ा देते हो, हमको मालूम है। तो उन्होंने हमको पुस्तकें दी, तो हमने घर जा कर के पुस्तक खोली तो शिव सूत्र थी, और ऐसे ही खोली मैंने रैंडमली, उसमें ये ज्ञानम बंधहा ये सूत्र मिला, और जैसे मानो हम एकदम कूद पड़े, मिल गया। उसके बाद हमने इस शास्त्र का सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और अध्ययन करते समय ये समझ में आया ये शास्त्र वाले शंकर वेदांत को तिरस्कृत करते हैं और शंकर वेदांत वाले इसको तिरस्कृत करते हैं। हमने दोनों का अध्ययन किया है और पता ये चला दोनों एक ही बात कर रहे, शब्दों में फंसे हुए। देखो ये वेदांती जो होते हैं कुंडलिनी को लेकर के मजाक उड़ाते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये ब्रह्म को लेकर के मजाक उड़ाते हैं। देखो, और हम दोनों के लेकर पतंग उड़ा रहे। देखो महाराज, सत्य वही है, अलग नहीं है। तो वहां बताते ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है। यदि आप संस्कृत के व्याकरण के अनुसार पढ़े, ये दो सूत्र जो है ये इकट्ठे पढ़े जाते हैं। देखो, चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधः, उसमें ज्ञानम के पहले अ आ जाता है, चैतन्य महात्मा ज्ञानम, तो उसमें अ जमा अ आ हो जाता है। तो अज्ञानम बंधः, अज्ञानम किसको कहते हैं, अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं। देखो, ज्ञान के अभाव को अज्ञान नहीं कहते, ज्ञान की अपूर्णता, ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे मैं गुजराती नहीं जानता तो गुजराती का मुझे अज्ञान है, अज्ञान है माने मालूम तो है ना, तो कहाँ अज्ञान है। इसीलिए ज्ञान का अभाव कभी नहीं हो सकता। फिर अज्ञान का अर्थ क्या हो गया, अज्ञान का अर्थ है ज्ञान की अपूर्णता,
अपूर्ण ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो यही कारण है, इसी को वेदांत में कहते हैं अविद्या, अपूर्ण ज्ञानम अविद्या। इसको इस शास्त्र में कहते हैं आण्व मल, अणु का मल। देखो जैसे ये शब्द जैनियों में भी आता है, इस शास्त्र में भी आता है अणु। जैसे पशुपतिनाथ, कल आपको बताया था, पशु माने अणु, जीव जो है, पति माने ईश्वर, नाथ माने इन दोनों का नियंत्रण करने वाला, जो जीव और ईश्वर का नियंत्रण करता है वो नाथ है, माने एक ही परमात्मा नाथ। वही समष्टि की उपाधि को लेकर के ईश्वर कहा जाता है, व्यष्टि की उपाधि को लेकर के जीव कहा जाता है, लेकिन है एक ही। जैसे एक ही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को लेकर के पिता कहा जाता है, अपने पिता की उपाधि को लेकर के पुत्र कहा जाता है तो एक ही। देखो यह जो मूल तत्व है, औपाधिक अनेकता वास्तविक नहीं होती। देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह आकाश पर थोपी गई औपाधिक अनेकता है। आकाश तो एक ही है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी इनका जो रिश्ता है, इसको लेकर के हमने ये निर्णय ले लिया है, जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं, जिस दिशा में सूर्य नहीं उगता वो पूर्व नहीं है। एक बार हमने पूर्व दिशा निश्चित की, बाकी की अपने आप पैदा हो गए, फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार कोने ऊपर और नीचे अपने आप पैदा हो गए। यदि आप सूर्य और पृथ्वी इनके उपाधि से बाहर चले जाओ तो फिर कौन सी पूर्व है कौन सी पश्चिम है, लेकिन सूर्य लेकिन आकाश तो वही का वही है। इसीलिए अपूर्ण ज्ञान यही बंधन का कारण है। अब ज्ञान की अपूर्णता कैसी है, देखो ये ज्ञान की अपूर्णता का कारण अगला सूत्र बताता है। तो पहले अविद्या अज्ञान, अज्ञान यही है यह देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, इसको कहते हैं इस शास्त्र में आण्व मल, अणु माने जीव भाव। जिसने अपने आप को एक छोटा सा मान लिया है, ये देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं। अब ध्यान से सुनो, हमारा जिसके साथ तादात्म्य होकर के आत्मभाव हो जाता है, हमारे विचार हमेशा उसी के ही संदर्भ में होंगे। उदाहरण ले लो, समझो हमारे हाथ में ये फोन है और हमको कुछ लिखना है एयरपोर्ट पर, तो हम उसको रख नहीं देंगे, नहीं तो हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, फोन को भी पकड़ेंगे हाथ में और पेन भी लेंगे और लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे हाथ की इस फोन पर जो पकड़ है उसका प्रभाव हमारे हैंडराइटिंग पर आएगा ना। इसी प्रकार से यदि हमने अपने आप को ये देह मात्र मान के रखा है तो जितने भी विचार है इस देह के संदर्भ में ही होंगे। देखो और पूरा जीवन मैं और मोर तोर तय माया इसी में चलता रहेगा। अब ये देखो आप कैसा दुनिया में ये स्पष्ट दिखने को मिलता है। दो माताएं इकट्ठी आ गई अपने अपने बच्चे को लेकर के, ये माताओं का विषय क्या होता है, अपना बच्चा, और हर एक माँ को लगता है मेरे बच्चे के जैसा दूसरा बच्चा दुनिया में है ही नहीं, तो वो अपने बच्चे की तारीफ शुरू करती है, तो दूसरी माँ सुनेगी क्या, उसकी जबान काट करके बोले ये तो कुछ भी नहीं मेरा बेटा, अरे यूजलेस, वो अपनी शुरू करेगी। अब दोनों के विचार जिसने उस बच्चे को मेरा के रूप में शुरू किया है उसी के बारे में चलते रहेंगे। और जो तीसरा आदमी होगा वो कहेंगे यार बकवास बंद करो, कब तक बोलोगे, कोई दूसरा विषय है कि नहीं दुनिया में, बच्चे 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 24 घंटे, हम तो तंग आ जाते इनसे, कहीं भी चले जाओ स्वामी जी मेरा लड़का है ना इतना इंटेलिजेंट है, बड़े प्रश्न पूछता है। हमने कहा देखो प्रश्न पूछने वाला बेवकूफ होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता। डू यू मीन ही इज बेवकूफ, ऑफ कोर्स तुम्हारा लड़का है, व्हाट एल्स इट कुड बी,
कितना उसी में फंसे, उसी सिवा अन्य कुछ नहीं जगत। और इसीलिए अपूर्ण ज्ञान माने देहात्म भाव को सत्य मान करके चलना। पहला अविद्या। अब दूसरी महत्व की बात, जहां जहां अपूर्णता का भान होता है वहां पूर्णत्व को लाने के लिए प्रयत्न स्वाभाविक है। जैसे पेट में जगह खाली है तो उसको भरने के लिए अपने आप भूख लग जाती है, भूख लगाने नहीं पड़ती, लग जाती है। प्रकृति का ये नियम है, जहां खाली है उसको भरो। तो जब भूख लग गई तो फिर क्या करेंगे, फिर उस भूख को पूरा करने के लिए मनीराम आ जाते हैं और मन फिर हमको एडवाइस करता है, देखो फ्रिज में कुछ होगा क्या, नहीं तो होटल से कुछ मंगवाते हैं, उबर फूड। धीरे धीरे मन में इच्छा हो गई और जैसा पेट भर गया खाने की इच्छा खत्म। अब देखो, जब हमने अपने को देह माना है, अपने को इंद्रिय माना है, अपने को मन माना है, तो पूरा का पूरा जीवन इस अपूर्णता में रहेगा। इसको कहते हैं आणव मन, अज्ञानम बंधः। अब अगली बात सोचो, जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, जैसे सुषुप्त अवस्था में या स्वप्नावस्था में या समाधि में, उस समय हम कुछ नहीं होते, वी आर नोबडी। इसीलिए कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए कोई दुख नहीं होता, इच्छा के पूर्ति का आपूर्ति का, इसीलिए हम आनंद में रहते हैं। सुषुप्ति में जो आनंद है, ये ना विषय से आया, ना संग्रह से आया, ना हमको किसी ने आदर सत्कार दिया उससे आया, लेकिन आया तो जरूर है ना, तो कहाँ से आया, तो अपना ही आनंद प्रकट हुआ। लेकिन हमने अपने स्वरूप के आनंद को हमेशा तिरस्कृत किया है, क्योंकि यह अज्ञान बंध अपने आप को केवल देह के रूप में मान के रखा है। यह पहला है आणव मन। और इसके बाद दूसरी बात आती है कि एक बार हमने अपने को अपूर्ण माना है तो आप कुछ कर ही नहीं सकती, इच्छा जरूर होगी। वेदांत में इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं। हृदय ग्रंथि माने अविद्या काम कर्म। अपने को अपूर्ण माना है, फिर मन में कामना हो गई, कामना के प्रभाव में आकर के व्यक्ति कर्म में अपने आप लग जाता है। और पूरा यदि जीवन देखे अपना, तो हमने क्या किया आज तक, केवल तीन बातें, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अब आप अपने घरों में जाके देखो कितने कपड़े लटके हुए हैं हैंगर पर पैथेटिकली, इतनी जरूरत है। देखो ये पाश्चात्य देशों में चले जाओ, अपने जो एनआरआई लोग हैं ना, जब ये आईटी का बूम आ गया था तो उस समय ये जवान जवान लड़के, हार्डली 25 के 20 के 22 के लड़के, उनको इतना पैसा मिला वहाँ कि उनकी पूरे खानदान ने कभी इतना पैसा नहीं देखा। और लक्ष्मी चंचल है, वो बाहर जाना चाहती है, फिर उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल बनाए। जो स्टैंडर्ड मकान है वो नहीं खरीदे अपने, हम अपने डिजाइन से बनाएंगे। लाखों डॉलर्स के वहाँ उन्होंने मकान बनाए, और इतना बड़ा मकान, रहने वाले हम दो, हमारा कोई नहीं, क्योंकि दोनों भी आईटी में है, वो केवल मॉनिटर को ही देखती है, आदमी को नहीं देखते। और उसके पश्चात इतना बड़ा घर, अब क्या करोगे उस घर का, झाड़ू लगाओ दिन भर, वहाँ नौकर तो मिलते नहीं। फिर अपने घर को दिखाना है तो फिर कोई एक पार्टी का ऑर्गेनाइज करो, गृह प्रवेश, और दुनिया को बुलाओ और फिर दिखाओ। एक बार की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में थे और हम नाटक करने में बड़े उस्ताद हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ जैसे रहते थे। अच्छा,
तो एक सज्जन पंजाबी सज्जन हमको अपने घर ले गए, बोले स्वामी जी आप तो पहली बार आए नहीं यहाँ ना, पहली बार आए तो चलो मैं आपको सब दिखाता हूँ। जब जा रहे थे तो बहुत जोर से बारिश होने लग गई, बोले देखो अब ये जो वाइपर है ना ये ऑटोमेटिकली शुरू हो गया, फिर जैसे बारिश कम हो गई बोले ऑटोमेटिकली कम धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर हम घर गए तो गणेश का जो दरवाज़ा था बोले देखो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ऑटोमेटिकली खुल गया। हम गैराज के अंदर घुसे और फिर हम जब हाथ धोने के लिए गए बोले साहब जी कुछ करना मत, केवल अपना हाथ उस टैप के नीचे करना, ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है, ऑटोमेटिकली पानी। फिर बाथरूम ले गए बोले यहाँ आपको फ्लश नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। ये ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में इतना घुस गया, हमने कहा मैं कुछ बोलूँ क्या ऑटोमेटिकली, बोले पूछो। तो मैंने पूछा उनको इस पर बैठने के बाद कमोड पर ऑटोमेटिक हो जाता है कि करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। इतना सामान इकट्ठा करके रखेंगे, एक बार वो अपने वॉक इन वार्डरोब में गए तो जैसे वो एक चक्र व्यू है, अंदर गए कि निकलती ही नहीं बाहर, इतनी साड़ियां लटकी हुई, इतने कपड़े लटके हुए, काहे को। देखो मनुष्य जितनी संग्रह वृत्ति रखता है उतना अपने को अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। देखो, और यह जो अपूर्णता है वही मन में कामना निर्माण करती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक बार हमको किसी ने पूछा स्वामी जी आप रोज वही के वही कपड़े पहनते आपको बोर नहीं होता, हमने कहा तुमको बोर होता का मुझे वही कपड़े में देखते हुए, नहीं देखो हम तो कैसे रोज चेंज करते हैं, हमने कहा देखो तुम चेंज करो मैं ऐसा ठीक। बड़ी सिंपल बात है, लेसर द चॉइस यू गिव टू यूर सेल्फ हैप्पियर यू आर। खाने के लिए बैठो 25 व्यंजन हो तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मुझे ब्रह्म में इतना कंफ्यूजन नहीं है उतना खाने में होता है। और ये लोग मुझे सिखाते हैं स्वामी जी ये इसके साथ जाता है, अरे मुंह में जाता है जैसे जाएगा, और परेशान कर देते हैं कि जैसे मैं पहली बार खाना खा रहा हूं। तो हम कहते सब रख दो वहाँ और हम अपने हाथ से लेंगे, ये तो मुश्किल हो जाती है। डोंट गिव योर सेल्फ मैक्सिमम चॉइस, जीवन बड़ा सरल बनता है। तो फिर यह कामना का प्रभाव हमारे जीवन में आ गया, और एक बार हम कामना के प्रभाव में आ गए तो फिर उसका परिणाम कर्म में लग गया। देखो तीन स्टेजेस है, पहले जानाती जानना, फिर इच्छति इच्छा करना, फिर करोती कर्म करना। क्या जानते हैं हम, जैसे आपने टेली मार्केटिंग में टीवी में देखा होगा, वहाँ ये माताएं सब लोग चले गए तो घर में तो टीवी है ही, दूसरा काम धंधा तो है नहीं, तो ये सब अपना टीवी शुरू करेंगे और उसमें बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है, अमुक मशीन ऐसी है, ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, पोटैटो कटिंग मशीन, आप 5 मिनट के अंदर में 5 किलो पोटैटो एक साइज के परफेक्ट टुकड़े कर सकते हो, मार्केट में इसके MRP है 21,000 रुपये, आप इमिडिएटली फ़ोन करो तो 2100 रुपये में मिलेगी। और ये माता चढ़ जाती है, तुरंत डायल करके वो मशीन दूसरे दिन आ जाती है, कभी गलत नहीं होगा। और आने के बाद अब सवाल ये है इसका उद्घाटन करना है, अब किसको कौन है घर में, दो ही है मैं और पति, अब दो आदमी 5 किलो पोटैटो काट के क्या करेंगे। फिर इसको दिखाना है तो कोई ना कोई बहाना बनाओ, लोगों को खाने के लिए बनाओ बुलाओ, और फिर वो उसके टुकड़े के सब्जी बनाई और हर एक को पूछना है आलू की सब्जी कैसी है, ठीक ही है नमक कम है। नहीं नहीं अब उनका ध्यान यह है कि लोग कहे ये इतने परफेक्टली कैसे काटे, फिर हम बताएंगे मशीन खरीदी थी ना इसलिए। कितना परेशानी का धंधा है, इसीलिए जब तक अपने को अपूर्ण माना है तब तक इच्छा होगी, जब तक इच्छा होगी तब तक कि आप कर्म में लगोगे। ये अविद्या काम कर्म यह हृदय ग्रंथि जो वेदांत में कही है उसी को यहाँ ये कहा है ज्ञानम बंधः
तो ये प्रथम सूत्र में हमको बताया था कि यह जो चैतन्य है वही आत्मा। उसके बाद दूसरे सूत्र में बताया है यदि यह चैतन्य ही आत्मा है तो उसके जीवन में इतने सारे बंधन सुख दुख ये संसार कहाँ से आया, तो उसके लिए बताया कि एक कारण ये है कि यह अधिज्ञानम बंधा और ये आण्व मल के कारण अपने को अपूर्ण समझने के कारण बंधन में आ गए। अब ये बंधन में आने के बाद दूसरा तीसरे सूत्र में बता रहे हैं योनि वर्गः कला शरीरम। योनि वर्गः, योनि माने जहाँ से कुछ पैदा होता है उसको योनि कहते हैं। तो भगवान की योनि क्या है? मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, 8वें अध्याय में 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो योनि माने महामाया, इस महामाया ने ये संपूर्ण जगत निर्माण किया है। तो पहले अपने में अपूर्णता का भान और उसके पश्चात योनि वर्गः माने इस संपूर्ण शरीर को चलाने के लिए भिन्न भिन्न ये पंच महाभूत निर्माण हो गए, उनके तन्मात्रा है और फिर तन्मात्राओं से ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब का सब निर्माण हो गए कारणात्मक स्थिति में आदि दैविक स्थिति में योनि वर्गः। ये दूसरा हो गया माई यमल। माई यमल माने जो जो अनुभव हमको अपने इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होते हैं उन्हीं अनुभवों को उतना ही हम पूर्ण के रूप में स्वीकार करते हैं उसको माई यमल कहते हैं और यही योनि वर्ग है। इसीलिए हम सभी के सभी अपने इंद्रियों के गुलाम होकर के रहते हैं। देखो रस का स्वाद करना माने क्या? रस का स्वाद करना माने किसी भी रस से प्रभावित नहीं होना। रस ये तन्मात्र है, उसमें सब कुछ आ गया है, खट्टा मीठा नमकीन सब कुछ आ गया है। लेकिन हमारे रस माने क्या? विशेष प्रकार का गंध, सभी गंध उसमें आ गए, सुगंध दुर्गंध। लेकिन हम गंध का अर्थ केवल सुगंध ही करते हैं। ध्यान से सुनना, परमात्मा को प्राप्त करना है तो जीवन में निर्विशेषता आनी है। जहां विशेषता है वहां संसार है। आकाश की विशेषता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं आ गई तो आपका वास्तुशास्त्र और फेंगशुई शुरू हो गया। आदमी निर्विशेष और पति पत्नी भाई बहन विशेषता, बड़ा छोटा लंबा नाटा विशेषता। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण क्या है? अपनी सब विशेषताओं को मिटा देना। विशेषता निर्माण नहीं करनी है, हम ऑलरेडी विशेषता के शिकार है। देखो कोई भी विशेषता नहीं, सहज रहो। और विशेषता होने से क्या हो जाता है? एक अम्मा ने मुझे पूछा, अंग्रेज ने, स्वामी जी मुझे आपके जैसा होना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हमने कहा पहली बात तुम मेरे जैसा नहीं हो सकते। क्यों? दाढ़ी कहाँ है? लॉन्गर द बियर्ड गारंटीड इज द विजडम, शॉर्टर द बियर्ड डाउटफुल इज द विजडम, नो बियर्ड। नो नो स्वामी जी मजाक मत करना प्लीज टेल। हमने कहा तुम अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में दो बातें हैं, इन दोनों को हटा दो। एक बात, वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी, हम किसी के सामने कुछ सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं मांस मच्छी नहीं खाता हूँ, मैं लोगों के जैसा नहीं टीवी देखता हूँ दिन भर, मैं तो रात को ही देखता हूँ। होलियर देन थाउ, पूरा जीवन इस हिपोक्रेसी में चला जाता है। देखो महाराज, मनुष्य को अपने बारे में जानना है ना, इधर ध्यान दो। जब हम अकेले होते हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है, केवल हम अकेले,
उस समय देखो अपने आप को, डर लगेगा। फिर हम टीवी शुरू करते हैं, कुछ कान में डाल करके सुनते रहते हैं, क्योंकि अपने आप से डर रहे हैं। लोगों के सामने हम बड़े शरीफ पेश हो जाते हैं, अपने आप में देखो अपने को जगत में कुछ प्रूव नहीं करना है। एक बार हम किसी के घर थे, एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप बाहर का भी खाना खा लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह? हमने कहा अम्मा मैं केवल बाहर का ही खाना खाता हूँ। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा अपना कोई घर है ही नहीं, तो जो आपको लगता है घर का खाना हमारे लिए तो बाहर का ही है। नहीं, हमने इसलिए पूछा महाराज जी, बुरा मत मानना, महात्मा लोग बाहर का खाते नहीं, इसलिए। हमने कहा ये इसमें गलती तुम्हारी है। क्या गलती हमारी है? आपने मुझे महात्मा क्यों कहा? हम तो सहज आत्मा है। अपने आप को बड़ा लेबल लगा करके हिपोक्रेसी से जीना यह अध्यात्म नहीं है। देखो महाराज, सरल रहो ना, क्या प्रूव करना है किसके सामने? और एक बार आदमी को यह आदत हो जाती है ना झूठ जीने की, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा उसको कि देखो अम्मा, पूरे जीवन तुमने यही किया है, यू वॉन्टेड टू प्रूव समथिंग टू समबडी। Alas, we don't know what we want to prove to whom and who cares for us. लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को अच्छी चीज है देखने के लिए, तुम्हारे कबूतर की तरफ कौन देखा है? लेकिन ऐसे लगता है लोग क्या कहेंगे। देखो संतो, और दूसरी महत्व की बात, we try to justify, हर चीज का समर्थन करना चाहते, मैंने ऐसा इसलिए किया। किसी ने पूछा क्या जरूरत है बोलने की? एक बार हम मुंबई में जा रहे थे लेक्चर के लिए शाम के, उन दिनों में ये ओवर ब्रिज नहीं थे, तो रेलवे लाइन क्रॉस होती है तो कभी कभी रुकना पड़ता है, तो हमको 20 मिनट रुकना पड़ा। और जब हम क्रॉस होके गए तो जो सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे बोले स्वामी जी मैं जाके अनाउंस करता हूँ इसके कारण लेट हो गए। हमने कहा तुमको किसी ने पूछा है क्या? मैं क्यों बोल रहे हो? और लेक्चर तुमको देना है कि मुझे देना है? आपको तो चुप बैठो ना। उनको बड़ा गुस्सा है, ठीक है हम तो आपके लिए कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद लेक्चर वेक्चर हो गया और 15 मिनट हमने खींच लिया, वहाँ किसी को जल्दी नहीं होती। असतर होने के बाद हमने कहा देखो किसी ने पूछा क्या कि स्वामी जी क्यों लेट आए? किसी ने पूछा क्या कि इतना लंबा लेक्चर क्यों किया? डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड अनलेस यू आर इन्वाइटेड। कितनी सरल बात है, बट वी स्ट्रगल टू प्रूव समथिंग टू समबडी। ये जो है अपने मनीराम का खेल, ये माही अमल है। तो फिर इंद्रिय के गुलाम बन गए माही अमल, कर्मेंद्रिय के गुलाम बन गए माही अमल, उसके बाद मन के गुलाम बन गए वो माही अमल। और ये माया के कारण हम केवल परमात्मा को अपूर्णता से ग्रहण करते हैं। माया का अर्थ है मीयते अनया या सा माया, जिसके द्वारा किसी का नाप तौल होता है उसको माया कहते हैं। जैसे एक लीटर, अब लीटर तो ये नाप तौल का एक मार्ग है ना, लीटर नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। 6 किलोमीटर, क्या 6 किलोमीटर? स्पेस, रोड। 2 टन, 2 टन क्या है? ये वजन है, किसका वजन है? देखो इसीलिए जैसे जैसे हम अपने इंद्रिय के गुलाम हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, जो मुझे आंखों से दिखता है उसी को हम मानेंगे, जो नहीं दिखता वो नहीं मानेंगे। देखो, और इसको लेकर के प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? कलकत्ता में एक लड़के ने मुझे पूछा था, तो मैंने उसको कहा व्हाई शुड आई टेल यू विदर आई हैव सीन गॉड और नॉट।
नो 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 ऐसा ही प्रश्न विवेकानंद ने रामकृष्ण परमजी को पूछा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमने कहा तुम तो विवेकानंद हो सकते भैया, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं तो अपना छोटा सा हूँ। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, आपने भगवान को देखा क्या? आप भगवान का डेफिनेशन बताओ। जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ तक मालूम नहीं। जैसे एक लड़की, उसकी शादी हो रही थी और बड़ी चहल पहल चल रही, और उसकी बहन छोटी थी एकदम, बड़ा गैप था दोनों बहनों के बीच में, वो थी कोई 7 साल की 7.5 साल की। और हम गए शादी में, और शादी में जाने के बाद वो सब देख रही कि चकचकाहट, और उसने आकर के अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या हो रहा है, दीदी का क्या हो रहा है, वो लड़का कौन है? बोले बेटा उसकी शादी हो रही है। फिर इसका मतलब क्या, क्या करेंगे वो? नहीं वो तो अब चले जाएंगे हनीमून के लिए, फिर क्या होगा, फिर वहाँ मजे करेंगे और क्या, फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा पापा हम लोग भी शादी कर लेते हैं। अब देखो उस बच्चे को शादी का अर्थ मालूम होता तो ये ऐसे कहती क्या? कई शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ क्या है महात्माओं, वो तो जानो ना। देखो इसीलिए ये जो माई या मल है यही है योनि वर्ग। अब ये योनि वर्ग का और सूक्ष्म अर्थ है, उसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। जिसको कहते हैं कि ये जितने भी दुनिया के चीज़ें निर्माण होती है उसका मूल कारण केवल शब्द मात्र है। तो यूनिवर्ग और कला शरीरम, कला शरीरम, ये कला माने अपना देह को हमने मान लिया मैं, और उसके बाद कर्म निर्माण हो गया। तो तीन बातें जो वेदांत की है, अविद्या काम कर्म, इसी को यहाँ अज्ञान और उसके बाद योनि वर्ग और कला शरीरम, ये तीन जो चीजें कही है यही पैरेलल उसमें है अविद्या काम कर्म। ये तीनों में आकर के जो परमात्मा है वो बंधन का अनुभव करता है। अब सवाल ये आता है ये बंधन कहाँ से आया, ये बंधन का कारण क्या है? इस बंधन के कारण का अर्थ हमको कल बताएंगे, उस समय देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।